माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षण करना चाहती हूँ। कन्या महाविद्यालय राजसमंद के अंदर जो वर्क ऑर्डर हुआ था 6 करोड़ का, उसका ठेकेदार पेमेंट नहीं करना। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला राजसमंद के राजकीय कन्या महाविद्यालय राजसमंद वर्ष 2017 से संचालित है। वर्तमान में महाविद्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हाथीनाडा राजसमंद के भवन में अस्थायी रूप से संचालित है। भूमि आवंटन के पश्चात महाविद्यालय को भवन निर्माण हेतु राशि 6 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी, जिसकी प्रति परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। भवन निर्माण का कार्य 14/9/2018 को प्रारंभ किया गया था। सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड राजसमंद के वित्तीय प्रगति रिपोर्ट के अनुसार भवन निर्माण का कार्य पूर्ण होने की तिथि 30/6/2020 है, प्रति परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय राजसमंद की सूचना अनुसार भवन के भूतल का ढांचा तैयार हो गया है। महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु संवेदक से राशि 221.76 लाख का बीजक प्राप्त हुआ है, जिसमें से संवेदक को राशि 96.76 लाख का भुगतान किया गया है तथा राशि 125 लाख का भुगतान बकाया है। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार से बजट प्राप्त होने पर संवेदक को बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। वर्तमान में महाविद्यालय के भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2 का उल्लेख में अगर आपके इसमें आया है तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके अलावा जो इन्होंने रिप्लाई दिया, उस रिप्लाई में इन्होंने कहा कि वर्क ऑर्डर की जो तारीख है वो तो 14/9/2018 है, लेकिन वर्क कम्प्लीशन की जो डेट है वो 13/12/2019 है। इन्होंने कहा, इसमें बड़े स्मार्टली कहा है, सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड राजसमंद की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार भवन निर्माण का कार्य पूर्ण होने की तिथि 30/6/2000, जबकि वर्क कम्प्लीशन डेट जो है वो तो 31/12/2019 है, जो वर्क ऑर्डर की डेट के साथ ही निर्धारित हो जाती है कि वर्क कम्प्लीशन डेट होगी। इसलिए एक तो रिप्लाई में ये गलत इन्होंने जो वर्क कम्प्लीशन डेट, अब ये वर्क कम्प्लीशन डेट निकल जाने के बाद भी 3 महीने ऊपर हो गए, और जो इन्होंने कहा कि जो राशि संवेदक को इन्होंने दी है वो 221.76 लाख का बीजक प्राप्त हुआ, जबकि ऐसा नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, ये ऑलरेडी जो 96 लाख इन्होंने पेमेंट किया है ये समय समय पर किया है, 3-3, 4-4 महीने में जैसे जैसे काम कम्प्लीट होता गया ये पेमेंट होता गया, अप टू नाउ 96.76 इन्होंने किया है। अभी भी 125 लाख का बीजक वहाँ पर भेजा हुआ है, जिसका भुगतान ये कब तक करेंगे, पहली बात। दूसरा, जो वर्क प्रोग्रेस है वो वर्क प्रोग्रेस के हिसाब से ये काम का कंप्लीशन डेट, क्या आप मानते हैं कि ये 30/6/2020 तक कंप्लीट हो जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अभी माननीय सदस्य महोदय को अवगत करवाया, जो कार्य हुआ है वो 221.76 लाख का जो सर्टिफिकेट विभाग ने, उसमें से 96 लाख रुपए की राशि का भुगतान कर दिया गया है, और 125 लाख का जो बकाया भुगतान है वो 2020-21 का हमारा जो बजट प्रावधान है उसमें किए जाने के बाद किया जाएगा। और मैं अध्यक्ष महोदय निवेदन करना चाहूँगा कि 2018 में करीब 2018 तक करीब 3 खोले गए थे, जिनमें भूमि और भवन आदि के बजट का प्रावधान नहीं किया गया था। हालांकि इसमें राजसमंद के कॉलेज में, जैसा माननीय सदस्य ने बताया, निश्चित रूप से 6 करोड़ का प्रावधान किया गया है, लेकिन अंतिम साल में बड़ी संख्या में बिना वित्तीय प्रावधान के बहुत सारे कॉलेजेज राजस्थान के अलग अलग जिलों में, विधानसभा क्षेत्रों में खोले गए। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जब पिछली बार बजट पेश किया गया तो उस समय जो नए 38 राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं उनके लिए भी भूमि और भवन बनाने की बात घोषणा की गई थी, और पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो 23 राजकीय महाविद्यालय जो भवन रहित है, जो बिना बजट के खोले गए हैं,
उनके भी भवन आदि बनाने के लिए बजट का प्रावधान किया गया। राजसमंद के कॉलेज के संबंध में जी, राजसमंद के कॉलेज के संबंध में स्पेसिफिक है, उसके बारे में डिटेल बता दें। राजसमंद के कॉलेज के बारे में मैंने जैसा मेरे मूल जवाब में निवेदन किया है, जो वित्त विभाग के द्वारा जो राशि हमें इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त होगी, तो उसमें राजसमंद के हमारा जो कॉलेज है पीडब्ल्यूडी के द्वारा हमें 30 जून तक का 2020 तक का समय हमसे मांगा गया है। निश्चित रूप से हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो कॉलेज अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनका कार्य निर्माणाधीन है, उनके कार्य हम पहले पूरा करा सकें, उनका बजट उपलब्ध करा सकें। उसके लिए हमने वित्त विभाग को भी निवेदन किया है और हमारी समय समय पर वित्त विभाग के साथ बैठक भी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, पहली बात तो खुद माननीय मंत्री जी ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि 6 करोड़ रुपए इसमें सैंक्शन थे, लेकिन जो भुगतान के संदर्भ में इसे संवेदक द्वारा भेजा दिया है, बिल पीडब्ल्यूडी को दिया गया है, उसका भुगतान 6 महीने होने के बाद में भी अभी तक नहीं हुआ। अब आप जो कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी के रिपोर्ट के अनुसार 30/6/2020 तक इसको कंप्लीट कर देंगे, तो अभी तो 300 लाख का काम बाकी है, जिसमें से 125 लाख की तो आपको भेजा है संवेदक का रिपोर्ट, जो डिमांड भेजी है, उसके बाद में अभी और बाकी है पैसा, तो ये सारा पेमेंट भी करना है, काम भी शुरू, तो ठेकेदार, तो जब तक आप पेमेंट रिलीज नहीं करेंगे काम शुरू नहीं हो सकता। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि इसका जल्द से जल्द भुगतान कराएं, 6 महीने से पेंडिंग है 125 लाख, और उसके बाद ही आप ये 30/6 की डेट तय कर सकोगे कि ये काम कंप्लीट होगा, क्योंकि काम ही नहीं हो रहा है वहां पर। जी अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा पहले भी निवेदन किया है कि वित्त विभाग के द्वारा इन तमाम कॉलेजेस को वित्तीय जो प्रावधान किए गए हैं, उसमें समय समय पर हमें डिपार्टमेंट को और सार्वजनिक निर्माण विभाग को जो राशि प्राप्त होगी, तो उसमें प्राथमिकता के आधार पर राजसमंद सहित जो राजकीय महाविद्यालय निर्माणाधीन है, उनका कार्य पहले और प्राथमिकता से किया जाएगा और उनका बजट आवंटित किया जाएगा।